तो सर वो कैब बहुत की है मैंने, कहीं से भी कोई वो कैब की भी क्विज देता था और जो नहीं आती थी उन्हें लिख लेता था सर मैं। वो कैब के लिए क्या कोई किताब भी पढ़ी अलग से, वर्ल्ड फॉरमेट जी टाइप का कुछ? सर वो भी की है, और सर नीतू सिंह मैडम की सेकंड बुक है वो कैब की, वो की है। एम बी पब्लिकेशन की है, क्रिस्टोफर सर ने ढेरों किताबें दी थी वो कैब की। सर मैंने वो कैब बहुत की है, और सर एक था स्टडी आई क्यू में गौरव गर्ग सर हैं सर, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी जर्नी में। उन्होंने जीएस में भी और इंग्लिश की वो कैब डाल रखी थी सर उन्होंने, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से वो एक्सप्लेन करते थे वीडियोज़ बना के, अच्छे अच्छे वर्ड रेलिवेंट वर्ड पढ़ाते थे। तो सर वो मैंने सब लिखे हुए थे, उनके वे एंटोनियम सिनोनियम्स भी अच्छे से कराते थे। तो सर वो भी किया, मतलब आपने कई सारे रिसोर्सेज को यूज़ किया अपने गैप्स को फिल करने के लिए। वो कैब करने से मैं डरता नहीं था, मुझे ये था कि नई बुक से करूँगा या तो रिवाइज होंगे या फिर नए वर्ड मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया आपने सब? नहीं सर प्रीवियस ईयर नहीं किया। नहीं किया। अच्छा वोकैबुलरी आपने जो बनाई होगी कितने वर्ड्स लगभग रटे होंगे रफ? सर अराउंड 15,000 to 20,000 वर्ड्स मैंने। और अभी कितने याद होंगे? सर अगर सामने आएंगे तो सर सभी, अभी सर एक 1 ईयर हो गया है सर प्रिपरेशन छोड़े, बट हाँ मोस्टली सभी याद है क्योंकि इतनी बार मैं रिवाइज कर चुका हूँ उन्होंने। ये सवाल इसलिए पूछा मैंने क्योंकि मुझे लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा अटेंशन वोकैबुलरी को दिया है स्पेसिफिकली सर। बट सर मेरा फॉर्मूला वही था कि पहले जो कर लिया है उसको पहले रिवाइज करना है तब नया करना। बोरिंग नहीं होता है क्या वोकैबुलरी रोज याद करना? मैंने भी एक बार बुक कॉपी बनाई थी मुझे याद है इंजीनियरिंग के दौरान, बट वो एक कॉपी भरते भरते मैं इतना बोर हो गया कि मैंने छोड़ दिया वो कैब तैयार कर। सर इंटरेस्ट आने लगा था इसमें। कैसे रिटेन करते थे आप शब्दों को, मतलब कोई तरीका था? जी सर मैं निमोनिक्स भी बना लेता था या फिर अपने ही कुछ भी कनेक्शन वर्ड्स। कोई कोई एक बताओगे कनेक्शन? सर सबसे अच्छा तो सर मैं ये करता था कि सर जो भी वर्ड मिला है सर उसे मैं डिक्शनरी में देखता था, कैम्ब्रिज डिक्शनरी या फिर मैरियम वेबस्टर। ऑनलाइन? जी सर ऑनलाइन। मैरियम वेबस्टर की तो ऐप है सर, कैम्ब्रिज की ऐप नहीं है। मुझे लगता है सबसे अच्छी डिक्शनरी है कैम्ब्रिज, तो सर वहाँ से देख के मैं खुद की एग्जाम्पल लिखता था अपने पर्सनल उस वर्ड को यूज करके, जिससे मुझे वो बहुत अच्छे से याद हो जाते थे, मतलब अपने लाइफ से रिलेटेड। कोई कोई एग्जांपल बता दो जो जो सेंसर्ड जो ना हो, ऐसा कुछ बता दो जो बता सकते हो आप, अगर याद आ रहे हो ना कोई बात नहीं। सर ऐसी कुछ भी सर मैं फुटबॉल वगैरह बहुत देखता हूँ तो सर उनसे रिलेटेड जो भी मैं बना लेता था, मतलब एब्सर्ड भी हो बट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है वेरी गुड। ये और ये अच्छा एफर्ट आप डालिए क्योंकि आप अगर अपना बनाओगे अपना तरीका याद करने का तो वो ज्यादा बेहतर है देन किसी और का तरीका आपको। अगर सर बिना तरीके के रटोगे तो सर वो भूल जाओगे, वो रिटेन नहीं होगा। बट सर अगर कुछ कनेक्शन बना लोगे अपनी लैंग्वेज से या फिर इंग्लिश लैंग्वेज से कुछ से भी उसका कनेक्शन बना लोगे तो याद रहता है लंबे टाइम तक। लाइक